हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो आपके लिए पहले ही मैंने सारे कार्ड शफल करके रखे हैं और मैंने पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 आप सब लोगों के लिए चुना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को प्लीज स्टॉप करें और मेडिटेट करें इन तीनों कार्ड्स के ऊपर और चेक करें कि कौन से कार्ड की एनर्जी आपके साथ अलाइन होती है, वाइब्रेट होती है, आप कौन सा कार्ड चूज करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि आप बस एक ही कार्ड चुने ताकि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स का मैसेज एग्जैक्टली आप तक पहुंच पाए। उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं हमेशा आप सब लोगों के लिए स्पिरिचुअल स्टफ रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिगार्डिंग टैरोट कार्ड रिगार्डिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती रहती हूँ। सो अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे डेली वीडियोस के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं ये आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपने आपके कार्ड्स चुन लिए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए मैसेज क्या है। ओह माय गॉड, क्रेजी, यू ड्राइव मी वाइल्ड। मैं ये कार्ड पास लेके आती हूँ और आप सब लोगों को दिखे। सो दिस इज द कार्ड और ये आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स है। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपके लिए मतलब इतनी खुशी, इतना जॉय महसूस करते हैं कि उनको आपके सिवा कुछ सोचता ही नहीं है आजकल। वो बस आपके प्यार में पागल है, दीवाने हैं। वो खुद बता रहे हैं आपको कि यू ड्राइव मी वाइल्ड। आपके रिगार्डिंग उनके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, इमोशनल है वो आपको लेके बहुत ज्यादा। वो चाहते हैं कि मतलब 2400 घंटा आप उनके पास ही रहे। वो 2400 घंटा बस आप ही के रिगार्डिंग सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बात करे भी ना फिर भी उनके जहन में बस आप ही के ख्याल चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें वो आपके लिए महसूस करते हैं। वो एक ऐसे पर्सन है जो आपको बेतहाशा प्यार करते हैं, हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। आपकी हर एक छोटी बुरी बात उनके दिल को छू जाती है, उनके दिल की धड़कन हो आप। तो ये सारी चीजें ये कार्ड आपके लिए बयां कर रहा है। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, मतलब आपके पार्टनर जो है वो सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इमोशनल है और प्यार भरी है। ठीक है, तो ये हो गई पाइल 1 की बात। अभी हम मूव होते हैं पाइल 2 की तरफ और देखते हैं पाइल 2 के रिगार्डिंग क्या मैसेज आता है यूनिवर्स से या आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। ओके, एक्स्टेसी, लव टू रन माई फिंगर सॉफ्टली वाइल यू साइन। Oh my God. तो यहाँ पे मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या बताओ, आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकती हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट भरी या समथिंग है कि मतलब आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से अट्रैक्टेड है। वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी। मतलब वो आपके तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्टेड है कि मतलब बस आप ही को देखते रहते हैं। वो जस्ट चाहते हैं कि आपको मतलब छुए, टच करे, आपका एहसास उन्हें हो, उस एहसास से उनको उनके प्यार का एहसास हो। तो ये सारी चीजें आपके रिगार्डिंग वो सोचते हैं। वो आपको बेतहाशा प्यार करते हैं, इतना कि बस वो आपको हमेशा अपनी बाहों में भरे रखना चाहते हैं। वो आपको महसूस करना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। वो दूरी अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ये मैसेज है पाइल 2 के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइल 2 के रिगार्डिंग मतलब क्या मैसेज है आपके पार्टनर आपके रिगार्डिंग करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। ठीक है, तो अभी मैं बिना किसी देरी के पढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, सॉरी पाइल 3 की तरफ। और ये रहा पाइल 3 के लिए मैसेज, थिंकिंग, समथिंग यू सेड लिंगर्स इन माय माइंड। तो ये पाइल जिस किसी भी पर्सन ने चुनी है, तो आपके पार्टनर आपके रिगार्डिंग 2400 घंटा सोच रहे हैं और उसका रीजन भी आप ही हो। वो खुद बता रहे हैं आपके रिसेंट कॉन्वर्सेशन में कोई ऐसी बात आपने अचानक से कर दी है जिसके रिगार्डिंग आपके पार्टनर 2400 घंटा सोच रहे हैं। वो बस सोचते रहते हैं कि मतलब आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों बोला। अभी यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है। प्लीज इस रीडिंग को निगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि हर किसी के पास मैं पॉजिटिव मैसेज पहुंचा पाऊँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कभी आपके पार्टनर को गुस्से में कुछ बोल दिया हो और उनके मन में वो बात घर कर गई हो और वो उसके रिगार्डिंग आपके बारे में सोच रहे हैं। या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे पार्टनर्स के साथ हम बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं।
तो देयर आर अ चांसेस कि आपकी कोई बात ऐसे उनके दिल को छू गई हो, उनको पसंद आई हो और मतलब उनको ऐसे लग गया हो कि मतलब ऐसे कैसे आपके मुंह से ये बात निकल गई। बहुत बार होता है ना कि हम जब अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, सूरज, चांद, तारे, मतलब ये सारी बातें आ जाती हैं। तो मतलब बहुत बार अगर आपने किसी से सच में सच्चा प्यार किया है तो आपको फील होगा कि मतलब इतना कोई कैसे मेरे से प्यार कर सकता है, ऐसी फीलिंग यूजुअली आती है। तो ऐसी ही कोई बात आपके मुंह से निकल गई हो और आपके पार्टनर उसके रिगार्डिंग सोच रहे हैं आपके लिए, मतलब इसका कारण बस आप ही हो कि आपके पार्टनर आपके रिगार्डिंग इतना ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आज की 3 पाइल्स के लिए। आई होप ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर पाई हो और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा मतलब खुशी मिली हो अच्छी अच्छी करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के रिगार्डिंग जान के। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। मैं आपके लिए डेली स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, टैरोट कार्ड रिगार्डिंग वीडियोस लेके आती हूँ, जिससे आप सब लोगों को फायदा हो और आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन आए, आप लोग अच्छा महसूस करें। तो इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस बनाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पार्टनर की फीलिंग्स रेजोनेट कर पाई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। Bye guys!